हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस। आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त डीएस राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नंबर, जो हमारी सीरीज चल रही थी नाउन नंबर सीरीज का पार्ट थर्ड लेके आए हैं, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के रूल्स पढ़ रहे थे। तो इसका ऑलरेडी एक रूल हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम किसी भी नाउन के साथ में एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। आज हम इसका रूल नंबर दो लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका जो हमारा सेकेंड रूल है वो ये कहता है कि बट नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड फॉर्म द प्लूरल By adding es to the singular s, यानी कि हमारा रूल नंबर दो ये कह रहा है कि अगर कोई नाउन जो s, डबल s, sh, ch, x और z से अगर उसका अंत हो रहा है, यानी कि कोई भी नाउन है, कोई भी जो नाउन है हमारा, अगर उसके लास्ट में या तो s हो या डबल s हो या sh हो, ch हो, x हो या z हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिंगुलर में es जोड़ते हैं। जैसे कि, यानी कि बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो या तो s से या डबल s, sh, ch, x और z से अंत हो, तो हम लास्ट में उनके es का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारा जो वर्ड आया हुआ है क्लास। क्लास अच्छे से आज जानते हैं आप, जिस क्लास में हम पढ़ाई करते हैं वो होता है क्लास। तो इसमें देखिए, लास्ट में, इसके लास्ट में देखिए डबल s आ रहा है। डबल एस आने के कारण देखिए, लास्ट में ये इसमें डबल एस है। अब डबल एस आने के कारण इसमें हम ई एस लगाकर हम इसका प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस, इसमें भी देखिए लास्ट में डबल एस है, तो इसका भी प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का प्रयोग करते हैं। डिश, डिश यानी तस्तरी, इसमें देखिए लास्ट में एस एच है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस का यूज किया। ब्रश, तो इसमें भी लास्ट में एस एच है, इसलिए इसका भी प्लूरल बनाने के लिए हमने ई एस, तो जैसे ब्रश में तो हमारी स्पेलिंग रहेगी बी आर यू एस एच, और जब हम ब्रशेज यानी इसका प्लूरल बनाएंगे तो हमारी जो स्पेलिंग है वो हो जाएगी बी आर यू एस एच ई एस। आगे देखिए, एम ए टी सी एच, मैच। देखिए, मैच के दो मतलब होते हैं, एक तो वो मैच जैसे क्रिकेट मैच, हॉकी मैच, फुटबॉल मैच, और एक मैच का मतलब होता है माचिस की तिल्ली। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम इसके लास्ट में ES का प्रयोग करेंगे, तो वो मैचेस हो जाएगा। वॉच, वॉच यानी तो जानते ही हैं आप, घड़ी होती है, तो इसमें भी लास्ट में हम ES लगाकर वॉचेस बनाते हैं। ब्रांच, देखिए पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उसमें देखिए बी आर ए एन सी एच, इसमें भी लास्ट में सी एच लगा होने से हमने इसमें ब्रांचेस बी आर ए एन सी एच ई एस का प्रयोग किया। टैक्स, टैक्स यानी कि कर, टी ए एक्स, तो लास्ट में एक्स होने के कारण इसके लास्ट में हमने ई एस का प्रयोग किया। और इसके अलावा जैसे बॉक्स है, तो बॉक्स के लास्ट में भी ई एस होने के कारण, वो सॉरी एक्स होने के कारण हमने बॉक्सेस या बी ओ एक्स ई एस का प्रयोग किया। इसके कुछ एक्सेप्शन है यानी अपवाद भी हैं, जिनमें लास्ट में ये होने के बाद भी एस, एस एस, सी एच होने के बावजूद भी हम ई एस का प्रयोग नहीं करते, तो वो देखिए क्या है अपवाद। जैसे मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है राजा, तो इसमें देखिए मोनार्क में लास्ट में सी एच है, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें ई एस का प्रयोग न करके सिर्फ एस का ही प्रयोग करेंगे। स्टोमक, एस टी ओ एम ए सी एच, इसमें देखिए लास्ट में सी एच आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ एस ही लगाया है। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इन बजे वाले